اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد You're watching ALT Educate. Welcome to my channel. अब देख हैं टीपू साहब जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं अब्दुल लतीफ खान टीपू साइंटिफिक ऑफिसर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं ALT Educate के चैनल से। आज का प्रोग्राम हमारा है आपको ये बताना कि कुछ मिथ्स जो इस बारे में हैं कि हमारे जो पॉटेड सॉइल होती है उसके बारे में कुछ मिथ्स की करेक्शन करनी है आपके लिए, ये हम आज का टारगेट है। तो ये इसमें आम तौर पर हम सभी जानते हैं कि एक तिहाई भल मट्टी होती है, एक तिहाई हमारे जो है वो खेत की या क्ले में जिसमें ज़्यादा हो वो शामिल होती है और एक तिहाई हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी कि गली सड़ी गोबर जो है वो उसको शामिल करते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो भल है ये इंतहाई ज़रखेज़ चीज़ है और ये जो मिथ चलते चलते यहाँ तक पहुँचती है कि इसके अंदर जो दूसरे दो इन्ग्रीडियंट्स हैं जैसे कि क्ले 1/3 का डालना और साथ ही ऑर्गेनिक मैटर का 1/3 डालना, ये चीज़ें मिस कर देते हैं। तो इन चीज़ों को हम मिस नहीं करते। हमने ये आपके सामने ये जो भल है इसके अंदर 1/3 गली सड़ी गोबर भी डाली है और 1/3 इसमें खेत की जो मिट्टी है वो भी डाली है। खेत की मिट्टी के अंदर हमारे जो सॉइल बायोटा हैं वो होते हैं इन्वॉल्व और अगर आपका खेत सरखेज़ नहीं है और उसमें सॉइल बायोटा की कमी है जो जरखेज़ी पैदा करने की अनअवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स के उनको अवेलेबल रिसोर्सेज में चेंज करते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपने किसी भी ऐसी जगह से जहाँ पे छोटा जंगल आपका लगा हुआ हो और नेचुरली वेजिटेशन ग्रो कर रही हो वहाँ से सिंपली एक चम्मच के बराबर भी अगर आप ले आए हैं सॉइल तो वो सॉइल आप उसके अंदर मिक्स कर दें इनाकुलम के तौर पर और उसके बाद जो आपने गली सड़ी गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी वो तमाम सॉइल बायोटा मौजूद होते हैं जो कि सॉइल की सरफेसिंग के लिए चाहिए और नेगेटिव किस्म की जो हमारे फंगस हैं जो हमारे प्लांट्स को ख़राब करते हैं उनके कंपटीशन के लिए जो हमारे पॉजिटिव फंगस हैं वो भी शामिल होती हैं। एक आम आदमी के लिए तो हम ये नेगेटिव और पॉजिटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बीइंग अ साइंटिस्ट और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें ये समझना चाहिए कि सॉइल के अंदर जो कंपटीशन है वो एरोबिक और एनएरोबिक जो बैक्टीरियाज एंड फंजाई हैं उनके दरमियान में होता है। एरोबिक फंजाई और बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारे सॉइल के लिए हमारे क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होते हैं जबकि जो एनएरोबिक्स हैं वो हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद नहीं होते और उसमें ज़्यादातर नुकसानदेह ही होते हैं। और इसमें जो तीन चीज़ें हैं इनके बारे में भी आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सॉइल की साथ रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आम तौर पे जो डिस्कस की जाती हैं नाइट्रोजन परसेंटेज कितनी है, फास्फोरस कितना है और इस तरह की चीज़ें हैं, उसका पीएच लेवल कितना है, उसका जो
इसी लेवल है वो कितना है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मिस कर दी जाती है वो है CEC, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी एक डायरेक्ट मेजर कंसीडर किया जा सकता है इसके बारे में कि ज़मीन ज़रखेज़ कितनी है। हमारे जो रेतली ज़मीन है, सैंडी सॉइल्स हैं, इनकी CEC 0-3 होती है, जबकि हमारी मैरा ज़मीन है इसकी 6-8 आलमोस्ट इतनी ही होती है, और जबकि ज़्यादा से ज़्यादा भी हमारे यहाँ अगर होगी तो 12 तक CEC जाएगी। जबकि ये बात हमेशा जहन में रखिए कि पूरे वर्ल्ड में जो जरखेज तरीन जगह है वो है अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन की जो मिट्टी है उसकी CEC मोर देन 200 है, और वहाँ पे कोई भी चीज़ हम जब लगाते हैं यहाँ पे 7 साल में फल देता है संतरा, वहाँ 2 साल में फल देना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अगर हम खालिस फल ऐसे ही अपने गमलों में और पौधों में डालेंगे उनकी CEC बहुत लो होगी और हमारे पौधे की बढ़ोतरी बहुत कम होगी। CEC के निकालने के लिए, इसके प्रोडक्ट के लिए, इसके फार्मूले में सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो है क्ले मैटर कितना है और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है। इसके साथ ये चीज़ें जो है ऑर्गेनिक मैटर को 2 से मल्टीप्लाई करें और अपने क्ले मैटर को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपसे इसका प्रोडक्ट जो है वो आपको बताएगा कि CEC कितना है। और आखिर में जो पैगाम मैं हम आपको देना चाहते हैं वो अपने किसान भाइयों को मेहरबानी करें और हम पे, अपने आप पर, अपने आने वाली जनरेशन पर एहसान फरमाइए, खेतों में आग मत लगाया करें। आग लगाने से खेत के अंदर मौजूद टोटली सॉइल बायोटा जल जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जल जाता है और ज़मीन की जरखेजी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ज़मीन मुर्दा हो जाती है। ज़मीन मरी हुई है तो उसके अंदर क्रॉप्स के लिए आपको जब तक पैसे भर के हर एक इनपुट खरीदना पड़ता है, यहाँ तक कि जिंक, पोटाश, हर चीज़ आपको मूल खरीद करके ऊपर से एप्लीकेट करनी पड़ती है। जबकि अगर ज़मीन ज़िंदा होगी, ज़मीन के अंदर के जो सॉइल बायोटा है उसको आप ज़िंदा रखेंगे, अपने जो रिवायती हमारे आबाऊ अजदाद से तरीक़ाकार चला आता है ऑर्गेनिक मैटर को करने, इन चीज़ों को दोबारा वापस लाएं और अब ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसको आग मत लगाया करें। खेतों में आग लगाना इंतहाई ख़तरनाक है, आपके लिए भी, माहौल के लिए भी और हम सब के लिए। और इसके साथ ही शुक्रिया, आप हमारा चैनल देखते रहिए ALT Educate।